हेलो स्टूडेंट, वी हैव अ क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम मूव्स अंडर द फोर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स एफ वेक्टर इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी जे कैप, वेयर ए एंड ओमेगा आर कॉन्स्टेंट एंड टी इज टाइम। द पार्टिकल इज इनिशियली एट रेस्ट एट ओरिजिन। द इंस्टेंटेनियस पावर गिवन टू द पार्टिकल इज क्वेश्चन मार्क। तो चलिए, यहाँ पर हमें फोर्स वेक्टर दे रखा है, उससे हमको पावर निकालना है, और ये फोर्स वेक्टर जो है टाइम के साथ वैरी कर रहा है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन वेक्टर जो होगा वो होगा फोर्स वेक्टर डिवाइडेड बाय मास। तो इसको हम लिख सकते हैं ए डिवाइडेड बाय एम साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी इसमें आई कैप है, प्लस कॉस ओमेगा टी जे कैप। और हम जानते हैं एक्सीलरेशन को हम लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन वेक्टर को लिख सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू डी वी बाय डी टी, डी वी वेक्टर बाय डी टी। तो इससे हम लिख सकते हैं डी वी वेक्टर कैन बी रिटन एज ए वेक्टर इनटू डी टी। अगर दोनों साइड में अगर इंटीग्रेशन लगा लें तो हमको वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा विथ सम कॉन्स्टेंट, क्योंकि हमको लिमिट के बारे में कुछ पता है नहीं। तो चलिए इसको यहाँ करते हैं। तो वेलोसिटी वेक्टर जो लिखेंगे उसको लिखेंगे ए, ए में हमारा ये जो है ये कॉन्स्टेंट है ए बाय एम, तो वो तो बाहर आ जाएगा टर्म, तो ए बाय एम को हम बाहर खींच लेते हैं। और इंटीग्रेशन के अंदर में बचेगा हमको ये वाला टर्म्स, तो ये वाला टर्म्स को यहाँ पर पुट करते हैं। तो लिखेंगे ओमेगा टी आई कैप कॉस ओमेगा टी जे कैप। तो हम जानते हैं साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं इसको सेपरेटली। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी इसको करेंगे तो डी टी के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस माइनस कॉस होता है ओमेगा टी, और ओमेगा टी से जो कॉन्स्टेंट आएगा उससे हम डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है। उसी तरह से हम कॉस ओमेगा टी डी टी को लिखेंगे प्लस साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा, ठीक है, ए बाय एम इनटू माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा, और इसमें आई कैप है, आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी बाय ओमेगा, इसमें है जे कैप और एक कांस्टेंट अननोन कांस्टेंट होगा। तो ये हमारा क्या चीज़ था, ये वेलोसिटी वेक्टर है, दिस इज व्हाट, दिस इज वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू इतना हुआ। और इनिशियल वेलोसिटी जो है टाइम जीरो पर जीरो है, तो टी को जीरो रखेंगे तो वेलोसिटी जीरो होगा, और यहाँ पर कॉस जीरो माइनस वन होता है, तो इसको लिखेंगे ए बाय एम इंटू माइनस आई कैप बाई ओमेगा, और ये साइन जीरो जीरो होता है तो ये जीरो हो जाएगा प्लस सी, तो इससे हमको सी का वैल्यू आ जाएगा माइनस ए बाय एम डब्ल्यू आई कैप। तो ये हमारा इक्वेशन वन है, ठीक है। अब इसी के वैल्यू से हम रियल एक्सप्रेशन जो है इसको लिख लेते हैं। तो चलिए इसका वैल्यू को यहाँ सी के जगह पर डाल देते हैं, तो हमारे पास वी वेक्टर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आई कैप है, यहाँ पर भी आई कैप है, दोनों एक जाते तो दोनों को एक साथ कर लेंगे, ठीक है, और आई कैप हो जाएगा, ये माइनस है तो, और इसका माइनस, दोनों माइनस को बाहर में रख लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी बाई डब्ल्यू प्लस वन बाई ओमेगा, क्योंकि ए बाई एम को बाहर में ले लिया कॉमन, ठीक है। अब हम डॉट प्रोडक्ट करा के पावर जो होता है फोर्स वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है, वो करा के हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम पावर को डायरेक्टली लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर को हमने कैलकुलेट कर लिया है, और फोर्स वेक्टर क्वेश्चन में दे रखा है ए साइन ओमेगा टी आई कैप कॉस ओमेगा टी जे कैप, और वेलोसिटी वेक्टर हमारे पास है ए बाय एम
माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा और प्लस वन बाय ओमेगा आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी बाय ओमेगा जे कैप। तो हम आई इंटू आई करेंगे, जे इंटू जे करेंगे, क्योंकि आई इंटू आई कितना होता है, आई डॉट आई वन होता है, जे डॉट जे वन होता है, आई डॉट के जीरो हो जाता है, आई इंटू जे जीरो हो जाता है। तो यहाँ पर ये वाला टर्म और ये वाला टर्म इंटू होगा, और ये जे वाला टर्म और जे वाला टर्म इंटू होगा। यहाँ डॉट प्रोडक्ट में सबसे पहले ए इंटू ए बाय एम को करेंगे, तो ये ए स्क्वायर बाय एम डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। फिर आई वाले टर्म को आई वाले टर्म से इंटू करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस डब्ल्यू, सब में से कॉमन इसको भी ले लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाय एम डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। फिर साइन ओमेगा टी इंटू माइनस कोस ओमेगा टी, आई इंटू आई वन हो गया, तो इससे हो जाएगा इतना, ठीक है। फिर साइन ओमेगा टी इंटू आई कैप, तो ये साइन ओमेगा टी ही रहेगा सिर्फ। फिर जे कैप इंटू आई कैप, तो टोटल टर्म जीरो हो जाएगा, जे कैप और आई कैप जीरो हो जाएगा। फिर जे कैप इंटू जे कैप, डब्ल्यू पहले ही ले चुके हैं यहाँ पर, तो सिर्फ साइन ओमेगा टी जे और कॉस ओमेगा टी जे, तो वन हो जाएगा, तो ये पूरा हो जाएगा। तो अब जो है यहाँ पर कुछ टर्म्स यहाँ पर कट जाएगा, ये वाला टर्म्स और ये वाला टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो बचेगा वो साइन ओमेगा टी बचेगा। तो अब जो है पावर को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। तो यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो इसको फॉर्मेट में लिख देते हैं, ऑप्शन के फॉर्मेट में, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय एम डब्ल्यू। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर।